मैं ओंकार हूं, दूसरों का हित करने वालों के लिए गंगा की पवित्र धार हूं, किंतु अहित करने वालों के लिए वज्र का प्रहार हूं। मैं ओंकार हूं। शिवाज्ञा पाकर ब्रह्मदेव वरदान देने के लिए भीमासुर के सामने प्रकट होते हैं। इच्छित वरदान न मिलते देख कर्कटी क्रोधित हो उठती है, परंतु भीमासुर कर्कटी की उपेक्षा करके ब्रह्म कृपा प्राप्त करता है। भीमासुर की सफलता से प्रसन्न राक्षस वीर उत्साहित होकर उसकी जय जयकार करते हैं। राजकुमकरण के पुत्र वरदानी राक्षस राज भीमासुर की बंद करो ये जय जयकार। ये राक्षस जाति का शत्रु है। अपने पिता के प्रतिशोध को पूर्ण ना करके इसने हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, विश्वासघात किया है। ये तुम क्या कह रही हो माता? मत कहो मुझे माता, मैं तुम्हारा त्याग करती हूँ। भला होता यदि तुम्हारे पिता कुंभकर्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर मैं भी आत्महत्या कर लेती। भला होता रक्ताम्बरी यदि से जन्म देने से पूर्व ही तू मुझे रोक लेती। अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। माता मेरी बात सुनो, इस प्रकार मुझे छोड़कर मत जाओ। सावधान भीम, यदि अपने पुत्र होने का ढोंग करके तू मेरे पीछे आया तो मैं किसी पर्वत से कूद कर आत्महत्या कर लूंगी। राजकुमारी, राजकुमारी क्रोध को त्याग दीजिए, मुझे कुमार पर पूरा विश्वास है। किंतु मेरा विश्वास खंडित हो चुका है। उस वरदान का क्या महत्व है जो मेरे प्रतिशोध को पूरा ना कर सके, जो मेरे हृदय की ज्वाला को शांत ना कर सके? राजकुमारी अगर इसी प्रकार आप चली गई तो कुमार तो अकेले रह जाएंगे। कौन कुमार, कौन भीम? मैं किसी की माता नहीं हूँ और ना कोई मेरा पुत्र है। वो मेरे लिए मर चुका है, उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। राजकुमारी रक्ताम्बरी, यदि तुम्हें भी जाना है तो उसके पास चली जाओ, किंतु उस विश्वासघाती का नाम मेरे सामने मत लेना, अन्यथा मेरा क्रोध भी तुम्हें दंडित कर देगा। यदि ब्रह्मदेव की बात ना मानकर मैं उनसे वरदान ना मांगता तो मेरी तपस्या व्यर्थ हो जाती, किंतु अब यह वरदान पाकर मुझे हर्ष नहीं दुख हो रहा है, भयानक दुख। मेरी माता मुझे छोड़कर चली गई, यह वरदान मेरे लिए वरदान नहीं शाप बन गया है, शाप। वरदानी दैत्यराज, आपको इस प्रकार दुखी होने के स्थान पर अपनी माता को प्रसन्न करने का उपाय सोचना चाहिए। नहीं, मेरे पास माता को प्रसन्न करने का कोई उपाय नहीं, अब मैं क्या करूं? निराश ना हो दैत्यराज, आपने ब्रह्मा जी से अतुलनीय शक्ति का वरदान पाकर दैत्य जाति का सुनहरा भविष्य सुनिश्चित कर दिया है। अर्थात अब इस संसार में आपके समान शक्तिशाली कोई नहीं। अब सबसे पहले आप दुष्ट देवताओं से युद्ध करके स्वर्ग पर अधिकार कर लीजिए। उससे क्या होगा? होगा, बहुत कुछ होगा। किस प्रकार? सृष्टि के पहले दिन से ही दुष्ट देवताओं की सहायता में संलग्न रहने वाला विष्णु भागा भागा आपसे युद्ध करने के लिए आएगा और पराजित हो जाएगा। विष्णु की पराजय न केवल उसके अवतार राम की पराजय है, अपितु आपकी माता के प्रतिशोध को लेने में भी सक्षम है। परंतु मैं विष्णु को परास्त कर पाऊंगा? क्यों नहीं दैत्यराज, यदि ब्रह्मा जी का वरदान सच्चा है तो अवश्य कर पाएंगे। यह मत भूलो दैत्यराज कि ब्रह्मा जी ने केवल राम को ना परास्त करने की शक्ति प्रदान करना अस्वीकार किया था, विष्णु का तो उन्होंने नाम तक नहीं लिया। सत्य कहते हैं आप, माता को प्रसन्न करने का यह सर्वोत्तम उपाय है। राक्षस वीरों, हम अभी और इसी समय स्वर्ग की ओर अभियान करेंगे। हमारी वरदानी शक्ति के आगे देवताओं को पराजित होना ही होगा। चलो राक्षस वीरों। महाबलशाली महाराज कुंभकर्ण के पुत्र वरदानी राक्षस राज भीमासुर की। अतुलनीय शक्ति से संपन्न
भीमासुर और देवताओं के मध्य घोर संग्राम हुआ। राक्षसों की तामसी शक्ति को ब्रह्मदेव की सात्विक शक्ति के वरदान ने तीव्र और प्रखर कर दिया। भीमासुर के वरदानी प्रहारों का देवता और देवसेना सामना न कर सकी। देवराज इंद्र के संग देवगण प्राण बचाकर रणभूमि से भाग निकले। तभी आकाश में देवताओं को रोकते हुए श्री हरि विष्णु ने प्रकट होकर कहा, धन्य है तुम्हारा पराक्रम देवताओं। रणभूमि में लड़ने वाले वीर तो अपने प्राणों को न्योछावर कर देते हैं अथवा प्राण ले लेते हैं, और तुम रणभूमि में कायरों की भांति पीठ दिखाकर भागा है। धन्य हो देवताओं, धन्य हो देवताओं। अपने सम्मान को लज्जित ना करो, जाओ जाओ भीमासुर से युद्ध करो, जाओ। नहीं नहीं श्रीहरि, हम उस दुष्ट की वरदानी शक्ति को पराजित नहीं कर सकते। तो हंसते हंसते रणभूमि में अपने प्राण त्याग कर वीर गति को प्राप्त हो जाओ, क्योंकि रणभूमि में प्राण त्यागने वाले वीर की वीरता इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्णाक्षरों से लिखी जाती है। श्रीहरि, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? सृष्टि के प्रथम दिन से आप सदैव ही देवताओं के हितरक्षक रहे हैं। हम रणभूमि का त्याग करके आपकी शरण में आ गए हैं। अब हम आपके शरणागत हैं श्रीहरि। हमारे सम्मान की रक्षा करते हुए उस दुष्ट का नाश कीजिए। हे शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि विष्णु जी, हम शरण में आए हुए देवताओं को निराश न करें। भीमासुर को पराजित करके हमारा खोया हुआ गौरव प्रदान करें प्रभु। देवगणों, हमें युद्ध में केवल विजय प्रिय है। हम युद्ध भूमि में तभी उतरते हैं जब शत्रु की पराजय और हमारी विजय सुनिश्चित हो। ये आप क्या कह रहे हैं जगदीश्वर? क्या भीमासुर से युद्ध करने में आपकी विजय सुनिश्चित नहीं है? वरुण देव, आपके इस प्रश्न का उत्तर विश्व को गति देने वाले विश्वनाथ भगवान शिव ही दे सकते हैं। रणभूमि छोड़कर भागने वाले कायर देवताओं, मैंने पहले ही कहा था कि तुम मुझसे बचकर भाग नहीं पाओगे, भले इसके लिए मुझे आकाश का सीना चीरना पड़े, पृथ्वी को नापना पड़े, समुद्र को मथना पड़े, मैं तुम्हें दंडित किए बिना नहीं छोड़ूंगा। अधिक बढ़ चढ़ कर ना बोल दुष्ट भीमासुर, अन्यथा जगत पालक श्री हरि विष्णु तुझे अवश्य दंडित करेंगे। तो इन दुष्ट कायर देवताओं की रक्षा के लिए आप आ ही गए श्री हरि। मैं भी आपको देखना चाहता था, रणभूमि में आपके साथ दो दो हाथ करना चाहता था, आपकी वैष्णवी शक्ति के सामने अपनी अतुल्य शक्ति को देखना चाहता था। अपनी मर्यादा को लांघने की धृष्टता ना दिखा दुष्ट भीमासुर। ब्रह्मदेव की वरदानी शक्ति की मर्यादा रखने के लिए हमने रणभूमि का त्याग किया था, किंतु अब यदि तू इस प्रकार अहंकारी बातें करेगा तो मैं तुझे दंडित कर ब्रह्मदेव के वरदान की श्रेष्ठता को मिथ्या कर दूंगा। आ, मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूं। आ! परंतु मैं तुझ जैसे भीरू और कायर से युद्ध नहीं करना चाहता। आप क्या देख रहे हैं श्री हरि? यदि आप में साहस है तो आप मुझसे युद्ध करें। मैं आपको युद्ध की चुनौती देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि रणभूमि में अपने प्रहारों से मैं आपको संतुष्ट करूंगा। युद्ध की याचना लेकर आए वीर की याचना ठुकराना युद्ध नीति के विरुद्ध है। मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं भीमासुर, तुम्हारी युद्ध की अभिलाषा पूर्ण करने का वचन भी देता हूं, किंतु तुम्हें भी मुझे एक वचन देना होगा। नहीं दैत्यराज, नहीं, इस छलिया विष्णु को कोई वचन मत देना। वचन की आड़ में ये आपका सर्वनाश कर देगा। हाँ दैत्यराज, वचन का सहारा लेकर इसने दैत्य जाति के गौरव मधु और कैटअप को मार डाला था। वामन रूप में इसी विष्णु ने महान दैत्य सम्राट महाराज बलि को छला था, और स्त्री रूप धारण करके इसी विष्णु ने महान दैत्य सेनापति राहु का मस्तक काट डाला था। इसकी बातों में मत आना दैत्यराज, मत आना। पहले मुझे इनकी बात सुन लेने दें। कहे श्री हरि, कहे।
युद्ध के लिए मैं आपको क्या वचन दे सकता हूं? अपनी मृत्यु को छोड़कर मैं युद्ध करने के लिए कोई भी वचन दे सकता हूं। कहे, तुम धन्य हो भीमासुर, धन्य है तुम्हारी बुद्धि और धन्य है तुम्हारा विवेक। दैत्यराज, प्रशंसा करके ये छलिया आपको छलने की भूमिका बना रहा है, इसकी बातों में मत आओ, मत आओ। आप शांत रहें, मैं अपना भला बुरा जानता हूं। कहे श्री हरि, आपको युद्ध करने के लिए कौन सा वचन चाहिए? मुझे युद्ध से घृणा है भीमासुर, क्योंकि युद्ध भूमि में अहंकार, अभिमान और स्वार्थ की भावना प्रचारित होती है। परंतु जब युद्ध अनिवार्य होता है तो मैं ही युद्धाग्नि में प्राणों की संविदा डालता हूं और मैं ही प्राणों की आहुति ले लेता हूं। तो क्या अब युद्ध अनिवार्य हो गया है? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी याचना ठुकराकर तुम्हें और अधिक अभिमानी बनाना नहीं चाहता हूं, इसीलिए मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं भीमासुर। इस युद्ध में राक्षसों की ओर से केवल तुम लड़ोगे और देवताओं की ओर से केवल मैं लड़ूंगा, जिससे युद्ध भूमि में व्यर्थ का रक्तपात ना हो। मैं आपको वचन देता हूं श्री हरि, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। हम दोनों ही द्वंद्व युद्ध में देव और दानवों का भविष्य निश्चित करेंगे। यदि मैं पराजित हुआ तो स्वर्ग इंद्र का, किंतु यदि मैं विजयी हुआ तो स्वर्ग मेरा। मैं इस द्वंद्व पर स्वर्ग को दांव पर लगाता हूं। चलो साथियों। युद्ध की याचना लेकर तुम आए थे भीमासुर, इसी कारण प्रथम प्रहार का अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। जगदीश्वर भगवान श्री हरि विष्णु की जय! जगदीश्वर भगवान श्री हरि विष्णु की जय! अभी युद्ध का अंतिम परिणाम नहीं आया है, ये देवता विष्णु की जय जयकार क्यों कर रहे हैं? देवता छलिया, कायर और दुष्ट हैं। मेरे बार बार मना करने पर भी दैत्यराज ने मेरी बात नहीं मानी। ये पराजय उसी का परिणाम है। छलिया, विष्णु ने एक बार फिर से छल करते हुए ब्रह्मा जी के वरदान को मिथ्या करने की भूमिका रची है। ब्रह्मा भी तो देवता है, देवता देवता का ही साथ देगा। तुम सत्य कहते हो, उस चोटी वाले साधु नारद मुनि ने जानबूझकर समय व्यर्थ करवाने के लिए दैत्यराज को तपस्या के प्रपंच में फंसाया है। अभी भी समय है दुष्ट भीमासुर, अपनी दुष्टता के लिए श्री हरि विष्णु से क्षमा मांग ले और पाताल लोक के अंधकार में जाकर छिप जा, अन्यथा तेरी मृत्यु निश्चित है। देवराज, द्वंद करने वाले को संबोधित करना अनुचित और युद्ध नीति के विरुद्ध है। दैत्यवीरों, हमें भी दैत्यराज का मनोबल बढ़ाने के लिए उनकी जय जयकार करनी चाहिए। महाबलशाली महाराज कुंभकर्ण के पुत्र वरदानी राक्षस राज भीमासुर की जय! आ, 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 आ,
भगवान श्री हरि विष्णु की जय। जगदीश्वर श्री हरि विष्णु की जय। भगवान श्री हरि विष्णु की जय। परम पिता ब्रह्मदेव। क्या आपका दिया हुआ अतुल्य शक्ति का वरदान व्यर्थ था? व्यर्थ था, व्यर्थ था। क्या आपकी तपस्या करना मेरी भूल थी? मेरी भूल थी, मेरी भूल थी। क्या आपने दुष्ट और छलिया देवताओं के साथ षड्यंत्र करके मुझे भ्रमित करने के लिए वरदान दिया था? क्या संसार का अटल सत्य ब्रह्म वाक्य असत्य है? उत्तर दे ब्रह्मदेव, उत्तर दे ब्रह्मदेव, उत्तर दे ब्रह्मदेव, उत्तर दे प्रकट हो, उत्तर दे प्रकट हो, उत्तर दे प्रकट हो। भीम, युद्ध में निराशा की नहीं शक्ति की आवश्यकता होती है। महाबली कुंभकर्ण की शक्ति के साथ ही साथ तुम्हें परमपिता ब्रह्मदेव के वरदान की कृपा भी प्राप्त है। निराश ना होकर प्रहार करो, अपनी अभिलाषा पूर्ण करो और परिणाम की चिंता अपने आराध्य पर छोड़ दो। ये श्रीहरि को क्या हो गया है? जब वो स्वयं हार कर अस्त्र शस्त्र फेंक रहा है तो उसका वध क्यों नहीं करते? उसे प्रहार करने के लिए प्रेरित क्यों कर रहे हैं? भीमासुर, युद्ध में विजय वीर के पराक्रम की नहीं उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति की होती है। यदि इस प्रकार निराश हो जाओगे तो तुम्हारी पराजय निश्चित है। विजय की दृढ़ इच्छा शक्ति से प्रहार करो। हां, अस्त्र उठाओ। महाबलशाली महाराज कुंभकर्ण के पुत्र वरदानी राक्षस राज भीमासुर की जय। आपने सत्य ही कहा था श्री हरि, युद्ध में वीर की दृढ़ इच्छा शक्ति ही विजयी होती है। आप पराजित हुए और बंदी हुए और मैं विजयी। धन्य है तुम्हारा पराक्रम भीमासुर, धन्य है। मैं तुम्हारे पराक्रम की प्रशंसा करते हुए इस प्रत्यक्ष और द्वंद्व युद्ध में अपनी पराजय स्वीकार करता हूं। शिवेक्षा से यही उचित है और यही सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव के वरदान की मर्यादा है। चलिया विष्णु पराजित होकर अदृश्य हो गया है। आज दैत्य जाति के लिए सबसे महान दिन है। विष्णु को पराजित करके दैत्यराज भीमासुर ने अपनी कीर्ति को अमर किया है। राक्षस वीरों, देवताओं के अदृश्य होने से पहले इन्हें बंदी बना लो। श्री हरि विष्णु को पराजित करने वाले वरदानी राक्षस राज भीमासुर की जय। श्री हरि विष्णु को पराजित करने वाले वरदानी राक्षस राज भीमासुर की जय। नारायण नारायण। धन्य हो भीमासुर, तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारा पराक्रम। तुमने जगत पालक श्री हरि विष्णु को प्रत्यक्ष और द्वंद्व युद्ध में परास्त करके अपनी माता कर्कटी के प्रतिशोध को पूर्ण किया है। धन्य हो तुम। नहीं नारद मुनि, नहीं। जब तक मैं अयोध्या के श्री राम को पराजित नहीं कर देता तब तक मेरी माता का प्रतिशोध पूरा नहीं होगा। नारायण नारायण। असंभव भीमासुर, असंभव। श्री राम से प्रतिशोध लेना तुम्हारे लिए अब असंभव है, क्योंकि तुम्हें वरदान मिलने से पूर्व ही श्री राम पृथ्वीलोक के अपने अवतार को सार्थक करके वैकुंठ के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। इसलिए श्री राम के प्रति अब प्रतिशोध की भावना रखना समय को व्यर्थ करना है। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय।
राक्षस वीरों, हमें नारद मुनि की बात पर पूरा विश्वास है। श्री हरि विष्णु की पराजय के साथ ही हमारे महान पिता कुंभकर्ण की हत्या करने वाले अयोध्या के राजा राम भी पराजित हुए, क्योंकि राजा राम श्री हरि के ही अवतार हैं। श्री हरि और स्वर्ग पर विजयी होने के बाद अब हमें पृथ्वी और पाताल पर अधिकार करना है, परंतु उससे पहले हम अपनी माता कर्कटी से मिलकर उनका प्रतिशोध पूरा होने की सूचना देकर उन्हें प्रसन्न करेंगे। मैं ओंकार हूं, दूसरों का हित करने वालों के लिए गंगा की पवित्र धार हूं, किंतु अहित करने वालों के लिए वज्र का प्रहार हूं। मैं ओंकार हूं। विचलित अग्निदेव को नारद मुनि भीमासुर के समान तपस्या और आराधना का मार्ग दिखाते हैं। भीमासुर को तपस्या करते देख उत्तेजित इंद्र षड्यंत्र रचता है। दूसरी ओर कर्कटी राक्षसों को भीमासुर की सुरक्षा का आदेश देती है। भीमासुर का आहित करने आए देवता और इंद्र राक्षसों के बंदी बनते हैं। कर्कटी देवताओं को प्रताड़ित करते हुए दंडित करने का आदेश देती है। देवर्षि नारद कर्कटी के रोष से देवताओं की रक्षा करते हैं। ब्रह्मदेव देवताओं को सावधान करते हैं। राक्षस माता कर्कटी की जय हो। तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ माता, अब मुझे आशीर्वाद दो। बाहर आओ माता, बाहर आओ। कुमार, अपनी विजय के लिए मेरी बधाई स्वीकार करो। माता कर्कटी कहाँ है? राजकुमारी के लौटने की प्रतीक्षा तो मैं भी कर रही हूं ना राजकुमार। उस दिन की गई, वे आज तक नहीं लौटी। क्या ये आप क्या कह रही हैं? क्या आपने उन्हें खोजने का प्रयास नहीं किया? उन्होंने मुझे शपथ दी थी कुमार कि यदि मैंने उनके सामने तुम्हारा नाम लिया तो वे आत्महत्या कर लेंगी। इसी कारण मैं विवश थी कुमार। ये क्या कर रहे हैं कुमार? मैं तो केवल तुम्हारी दासी हूं। आप भी मेरी माता समान हैं। आज मैं अपनी माता का प्रतिशोध पूरा करके उनसे आशीर्वाद लेने आया था, परंतु मुझे भागे को अपनी माता का आशीर्वाद भी प्राप्त नहीं हुआ। काकी, आपको मुझ पर एक उपकार करना होगा। आप आदेश करें कुमार। किसी भी प्रकार मेरी माता को ढूंढकर उन्हें इस बात की सूचना दें कि उनका प्रतिशोध पूरा हुआ। मैंने न केवल स्वर्ग पर विजय प्राप्त की है, अपितु प्रत्यक्ष और द्वंद्व युद्ध में श्री हरि विष्णु को भी परास्त किया है। यह सूचना पाते ही वे प्रसन्न होकर लौट आएंगी। आपको यह सूचना उन तक पहुंचानी होगी काकी। जैसी कुमार की आज्ञा। परंतु कुमार, स्वयं माता को खोजने जाते तो अधिक उचित होता। नहीं काकी, माता कर्कटी तक ये शुभ समाचार आपको ही पहुंचाना होगा। अभी मेरा अभियान पूरा नहीं हुआ, मुझे पृथ्वी लोक पर भी अधिकार करना है। अपने पृथ्वी अभियान को सफल करने के लिए वरदानी भीमासुर विशाल राक्षसी सेना लेकर निकल पड़ा। अनेक राज्यों पर अधिकार करते हुए वो कामरूप देश पहुंचा, जहां के राजा परम शिव भक्त महाराज सुदक्षिण, जो राजा होते हुए भी स्वयं को शिव चरणों का दास समझते हुए सदा ऋषि वेश में अपना राजकाज संभालते हैं। आज भी महाराज सुदक्षिण की राज्यसभा में उनके स्थान पर विश्वनाथ भगवान शिव की जय जयकार हो रही है। भगवान आशुतोष की जय। भगवान आशुतोष की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
महाराज, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी राजसभा में भगवान शिव के परम भक्त ऋषि सुभद्र की चरण धूलि का स्पर्श हुआ है। महाराज सुदक्षिण, महारानी सुदक्षिणा, आप दोनों की शिव भक्ति वास्तव में प्रशंसा की योग्य है। भोलेनाथ की आप दोनों पर असीम कृपा है। शिव भक्त के रूप में आप दोनों की कीर्ति दूर दूर तक प्रसारित हो चुकी है। ऋषिवर, ये भगवान भोलेनाथ और आप जैसे ऋषियों के आशीर्वाद का फल है। गुरु बिना ज्ञान, भक्ति, परमार्थ एवं मुक्ति कुछ भी प्राप्त नहीं होता। महाराज, इस पावन शिव भक्ति को प्राण रहते अपने हृदय से दूर न कीजिएगा। कैसा भी संकट आए, शिव चरणों में दृढ़ रहिएगा। ऋषिवर, शिव कृपा से आप वर्तमान, भूत और भविष्य सभी कुछ जानते हैं। क्या आपको कहीं से ऐसा संकेत मिला है कि हम पर कोई आकस्मिक संकट आने वाला है? भगवान शिव की लीला अत्यंत रहस्यपूर्ण होती है महारानी। कभी कभी दुष्टों को दंडित करने के लिए वे अपने सच्चे भक्तों की कठोर परीक्षा लेते हैं। कभी कभी किसी महान जनहित के कार्यों को पूरा करने के लिए ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देते हैं कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस समय हम एक आवश्यक बात कहने के लिए ही यहाँ आए हैं। ऋषिवर, क्या आपको अपनी बात कहने के लिए एकांत की आवश्यकता है? नहीं महाराज, हमें एकांत की नहीं, ध्यान की आवश्यकता है। अर्थात? महाराज, जो बात हम कहने जा रहे हैं उसे आपके साथ साथ यहां उपस्थित हर राजपुरुष को भी गंभीरता और ध्यान से सुनना आवश्यक है, क्योंकि हमारी बात का संबंध केवल आपसे नहीं पूरे कामरूप देश से है। महाराज सुदक्षिण, महारानी सुदक्षिणा और कामरूप के राजपुरुषों, मैं आप सबसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि अब तक आप सबने जिस परम शिव भक्ति को अपने मन में दृढ़ कर रखा है उसे निर्बल ना होने दीजिएगा। एक क्षण के लिए आपका मन शिव भक्ति से भटकना नहीं चाहिए। शिव भक्ति से ही आपकी और आपके राज्य की बड़े से बड़े संकट से रक्षा होगी। हम केवल यही कहने और आप सबको सावधान करने आए थे। भगवान शिव आप सबका कल्याण करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाराज, क्या गुरुदेव? महारानी सुदक्षिणा, गुरुदेव तो हमारी शिव भक्ति को दृढ़ करने आए थे। आप किसी प्रकार की शंका न करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजकुमारी करकटी, कहाँ हैं आप? राजकुमारी करकटी, कहाँ हैं आप? मैं आपको ढूंढते ढूंढते थक चुकी हूँ। मुझे क्षमा कर देना कुमार, मैं आपकी माता राजकुमारी करकटी को ढूंढने में सफल नहीं हुई। वे न जाने कहां चली गई हैं। अगर प्राणों ने साथ दिया तो मैं उन तक आपका संदेश पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगी, पूरा प्रयास करूंगी। राक्षस वीरों, मेरे पिता महाराज कुंभकर्ण और ज्येष्ठ काकाश्री महाराज रावण के समान
पृथ्वी के सातों द्वीपों पर मेरा अधिकार होना चाहिए। जाओ, हर द्वीप पर अधिकार कर लो। जो तुम्हारी बात माने उसे जीवन, और जो ना माने उसे मृत्यु दंड दो। जाओ। सम्राट, भीमासुर की अधीनता स्वीकार कर लो, अन्यथा हम तुम्हें यहीं समाप्त कर देंगे। नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। राजकुमारी कर्कटी, कहाँ हैं आप? कहाँ हैं आप राजकुमारी कर्कटी? कहाँ हैं आप राजकुमारी? मैं आपको खोजते खोजते थक चुकी हूँ। कहाँ हैं आप? कहाँ हैं आप? नारायण नारायण, तो रक्तांबरी भगवान भोलेनाथ की कृपा से अपनी स्वामिनी राक्षस माता कर्कटी को मिलने में सफल नहीं हुई। नारायण नारायण, अब तो मुझे ही पुत्र और जीवन से विमुख हो चुकी राक्षस माता कर्कटी को सजग और प्रेरित करना होगा। चलो नारद। एक और दिन समाप्त हुआ, किंतु मेरा प्रतिशोध अब भी पूर्ण नहीं हुआ। मुझे क्षमा करें महाराज कुंभकर्ण, मुझे पता नहीं था कि आपका पुत्र कुपुत्र होगा। सम्राट बनने की इच्छा उसे अपने पिता के हत्यारे को भुला देगी। मैं चाहती हूं महाराज, यमलोक में आपकी आत्मा प्रतिशोध के लिए तड़प रही होगी, किंतु मैं क्या करूं? मैं विवश हूं। नारायण नारायण, तुम्हारा आंसू बहाना व्यर्थ है राक्षस माता कर्कटी। तुम्हारा पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से प्रतिशोध ले ही नहीं सकता। तुम्हारा प्रतिशोध पूर्ण करने के लिए तुम्हारे पुत्र ने न केवल स्वर्ग अपितु जगत पालक श्रीहरि विष्णु को द्वंद्व युद्ध में परास्त किया है। किसी की जय और पराजय से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं तो केवल राम लक्ष्मण और हनुमान की पराजय का समाचार सुनना चाहती हूँ। नारायण नारायण, राक्षस माता कर्कटी, प्रतिशोध की बात को मन से निकाल दो। कैसे निकाल दूं नारद मुनि? इसी प्रतिशोध को पूरा करने के लिए तो ये विधवा अपने पति की मृत्यु के पश्चात भी जीवित है। नारायण नारायण, राक्षस माता कर्कटी, तुम्हारा प्रतिशोध तो तभी पूर्ण होगा जब श्री राम होंगे। राम नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? अयोध्या के राजा श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ अपने अवतार को सार्थक करके पृथ्वीलोक से प्रस्थान कर चुके हैं। अब उनसे प्रतिशोध लेने की बात मन में रखना केवल व्यर्थ ही नहीं, मूर्खतापूर्ण है। नारायण नारायण।
राक्षस माता कर्कटी, इस समय तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य पुकार रहा है। अपने और अपने प्रिय पति कुंभकर्ण के प्रेम के चिन्ह भीमासुर को मृत्यु के मुख में जाने से बचाओ, बचाओ उसे, बचाओ। वो स्वर्ग का सम्राट श्री हरि को पराजित करने वाला भीमासुर, उसे भला कौन मार सकता है? शिवशंकर। शिवशंकर? नारायण नारायण, तनिक स्मरण करे राक्षस माता कर्कटी, स्मरण करे। भीमासुर को वरदान देते समय परमपिता ब्रह्मा जी ने क्या कहा था? क्या कहा था? मुझे कुछ याद नहीं। नारायण नारायण, मैं याद दिलाता हूँ। परमपिता ब्रह्मा जी ने कहा था, यदि तुम्हारा पुत्र भीमासुर शिव भक्तों को सताएगा तो उसका अंत भगवान भोलेनाथ के हाथों निश्चित है। इस समय तुम्हारा पुत्र भीमासुर पृथ्वीवासी शिव भक्तों को सता रहा है। पृथ्वी पर प्रेम करने वाले और अपने भक्तों पर असीम प्रेम करने वाले भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की करुण पुकार को अनसुनी कभी नहीं करेंगे। उसे रोको, उसे रोको, अन्यथा नारायण नारायण। किंतु किंतु मैं तो उसे सारे संबंध तोड़ चुकी हूँ। नारायण नारायण, राक्षस माता कर्कटी, माता और पुत्र का संबंध तोड़ने से कभी नहीं टूटता। माता और पुत्र का संबंध उतना ही पवित्र होता है जितना पति और पत्नी का। और राक्षस माता, अपने मृत पति के लिए अपने जीवित पुत्र का जीवन दाव पर न लगाओ। उसे रोको, उसे रोको राक्षस माता कर्कटी, उसे रोको, अन्यथा तुम्हारे पास ये आंसू बहाने के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं बचेगा। जाओ उसे रोको। पुत्र, पुत्र, पुत्र भीम। नारायण नारायण, धन्य है भोलेनाथ आप और आपकी लीला, धन्य है भोलेनाथ। कुछ ऐसी लीला करें आप कि राक्षस माता कर्कटी अपने पुत्र को सद्बुद्धि देने में सफल हो जाए। नारायण नारायण। मैं ओंकार हूं, सद्गुणों सद्वृत्तियों सद्भावनाओं और सद्विचारों का पालनहार हूं। मैं ओंकार हूं। शिव भक्त महाराज सुदक्षिण और महारानी सुदक्षिणा को सुभद्र ऋषि सावधान करते हैं। राक्षसों के प्रहार से भगवान शिव अपने भक्त सुदक्षिण की रक्षा करते हैं। नारद से भीमासुर की सफलता का समाचार सुनकर प्रसन्न कर्कटी शिव भक्तों पर अत्याचार की बात सुनकर विचलित हो जाती है। उधर सुदक्षिण की सभा से प्राण बचाकर आए सैनिकों को भीमासुर क्रोध के साथ कहता है, बंदी बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत क्यों नहीं किया, जिसने हमारे अनेक वीर राक्षस सैनिकों को समाप्त कर दिया। उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। उसका जीवित रहना हमारी वरदानी शक्ति पर कलंक है। राक्षस वीरों और सेनानायक को महाराज सुदक्षिण ने नहीं बल्कि शिवलिंग से निकली तेज ज्योति ने मारा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या हमारे सेनानायक असलोम भी राक्षस वीरों के साथ मारे गए? कामरूप का राजा दुष्ट सुदक्षिण हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। हम उसे अपने हाथों से समाप्त करेंगे। राक्षस वीरों, कामरूप की ओर अभियान करो। पुत्र भीम, तू क्या किसी शिव भक्त को मारने जा रहा है? माता, तुम्हें किसने बताया कि मैं शिव भक्त को मारने जा रहा हूँ? उसी चोटी वाले नारद मुनि ने, जिसने तुझे ब्रह्मा जी की तपस्या का परामर्श दिया था। पुत्र, यदि तूने किसी शिव भक्त को सताने का प्रयास किया तो शिव का प्रकोप तुझे क्षमा नहीं करेगा। पुत्र, नहीं करेगा। ब्रह्मा जी ने भी वरदान देते समय यही कहा था। पुत्र, तू अपने इस विचार को त्याग दे। पुत्र, विचार को त्याग दे। हाँ, जिस सुदक्षिण ने मेरे सेना नायक असिलोम और अनेक राक्षस वीरों को समाप्त कर दिया, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। माता, यदि मैंने उस दुष्ट सुदक्षिण को दंडित ना किया तो मुझे इस पृथ्वी का सम्राट कौन स्वीकार करेगा? नहीं पुत्र,
मैं तुझे इस प्रकार मरने नहीं दूंगी पुत्र, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। मेरा मार्ग छोड़ो माता, मुझे जाने दो। नहीं पुत्र, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। तुम मुझे रोकने वाली कौन होती हो? वरदान पाते ही तुमने मेरा साथ छोड़ दिया, अब मैं भी तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। अब मेरी तलवार की प्यास सुदक्षिण के रक्त से ही बुझेगी। नहीं पुत्र, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। तू नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा तू। मैं जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। मुझे मृत्यु स्वीकार है, परंतु एक राक्षस द्रोही और पिता के विश्वासघाती का संबोधन नहीं। अपनी मां को अपमानित एवं कलंकित करने वाले भीम, जहां मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू जीवित नहीं रहेगा। तुझ जैसे कपूत का तो मर जाना ही अच्छा है। महाराज, आपका विचार अति उत्तम है। आज से हम निरंतर शिव पूजन का संकल्प प्रारंभ कर देंगे। आज के बाद हम प्रतिदिन भगवान शिव का व्रत करेंगे और फलाहार करते हुए अपने जीवन का हर क्षण शिव चरणों में समर्पित कर देंगे। तो समय का सदुपयोग करते हुए हमें अपने संकल्प को अभी से प्रारंभ कर देना चाहिए। महारानी, अनर्थ हो गया महाराज। वरदानी भीमासुर ने कामरूप देश पर आक्रमण किया है। निर्दोष प्रजाजनों और हमारे सैनिकों को मारते हुए भीमासुर इसी ओर आ रहा है। अब क्या होगा महाराज? भगवान शिव हमारे रक्षक हैं। जिस प्रकार से भीमासुर के सैनिकों से आशुतोष शिव ने पहले भी हमारी रक्षा की थी, उसी प्रकार अब भी करेंगे। देवी सुदक्षिणा, हम शिव पूजन का संकल्प लेकर निकले हैं। पहले हम भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, फिर हम भीमासुर से युद्ध करेंगे। दुष्ट सुदक्षिण, तुम्हें राक्षस विद्रोह का दंड देने के लिए हम स्वयं आए हैं। दंड या पुरस्कार देने के अधिकारी केवल सृष्टि के नियंता भगवान शिव हैं। भीमासुर, तुम चाह कर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं। यदि शिव कोप के पात्र नहीं बनना चाहते तो जैसे आयो वैसे ही वापस चले जाओ। एक शिव भक्त एक अत्याचारी राक्षस को इस पृथ्वी का सम्राट कदापि स्वीकार नहीं करेगा, कदापि नहीं। भीमासुर, यदि तुमने शिव भक्तों को सताया तो भगवान शिव के हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। यदि तूने किसी शिव भक्त को मारने का प्रयास किया तो शिव का प्रकोप तुझे क्षमा नहीं करेगा। राक्षस वीरों, इस राक्षस शत्रु को बंदी बनाकर सहयाद्री के कारागार में डाल दो। यदि कल तक इसने हमें इस पृथ्वी का सम्राट स्वीकार नहीं किया तो हम इसी खड़क से इसके सर को धड़ से अलग कर देंगे, फिर चाहे परिणाम कुछ भी हो। स्वामी, मैं भी आपके साथ बंदीगृह चलूंगी। संकट की इस घड़ी में मैं आपसे अलग नहीं रह सकती, कदापि नहीं। ओम ब्रह्माय नमः। अनर्थ हो गया परमपिता, अनर्थ हो गया। संसार में ब्रह्म वाक्य मिथ्या हो गया परमपिता। आज दुष्ट भीमासुर इस शिवभक्त को सताने में सफल हो गया। परमपिता अपनी आंखें खोले, आंखें खोले परमपिता। अपनी आराधना, अपनी साधना को विराम दे परमपिता, अपनी आंखें खोले। अन्यथा दुष्ट भीमासुर पृथ्वीलोक अपने अत्याचारों से मत डालेगा। परमपिता अपनी आंखें खोले। नारद, अत्याचारी का अंत उसके अत्याचार के साथ होना सुनिश्चित हो जाता है, इसलिए इस समय तुम उत्तेजित और विचलित न हो और ध्यान से हमारी बात सुनो। इस समय तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य पुकार रहे हैं। मेरे कर्तव्य? नारायण नारायण, मैं कुछ समझा नहीं परमपिता। नारद, महाराज सुदक्षिण और महारानी सुदक्षिणा की शिव भक्ति ही अत्याचारी भीमासुर के अंत का कारण बनेगी, इसलिए उन दोनों को अपने जीवन का हर पल शिव चरणों में समर्पित करना होगा।
तुम सह्याद्री के कारागृह जाकर कामरूप के महाराज सुदक्षिण और महारानी सुदक्षिणा की हर प्रकार से सहायता करो। जो आगे परम पिता। ओम नमः शिवाय। महाराज, किस सोच में पड़ गए हैं आप? हम कितनी बार आपसे पूछ चुके हैं, लेकिन आप हमारे प्रश्न का उत्तर ही नहीं देते। महाराज, क्या सोचा है आपने? सोचना हमारा काम नहीं महारानी। अब हमारे लिए जो कुछ भी सोचना होगा भगवान भोलेनाथ सोचेंगे। तुम इस प्रकार चिंतित ना हो। मेरी बात मानिए महाराज, और इस दुष्ट राक्षस को पृथ्वी का सम्राट स्वीकार कर लीजिए, अन्यथा ये हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। अधिक से अधिक भीमासुर हमें मार सकता है। हमें अपने प्राणों का मोह नहीं है देवी। जीवन और मृत्यु तो भगवान शिव के अधीन है। यदि शिव इच्छा होगी तो हमें मृत्यु भी स्वीकार है, परंतु प्राण रहते हम अपनी शिव भक्ति पर कोई आंच नहीं आने देंगे। देवी, हमने निरंतर शिव पूजन का जो संकल्प लिया था उसे बहुत विलंब हो चुका है। अब हमें एक क्षण भी व्यर्थ किए बिना स्वयं को शिव चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? इस कारागृह में ना तो शिवलिंग है और ना शिव पूजन के योग्य कोई सामग्री। हम पूजन कैसे करेंगे? भगवान न पूजन सामग्री के भोगे होते हैं और न ही आडंबर के। भगवान तो भाव और भावना देखते हैं। देवी, भगवान शिव शंकर हमारे हृदय में विराजमान हैं। हम उन्हीं को साक्षी मानकर अपने संकल्प का पूजन प्रारंभ करेंगे। ओम नमः शिवाय। 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 आप धन्य है भोलेनाथ, और धन्य है आपकी महिमा। अपने भक्तों की सहायता के लिए आप सदा तत्पर रहते हैं। मेरे यहाँ पहुँचने से पहले आप अपने भक्तों की सफलता के लिए अदृश्य रूप से पधार गए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, भोलेनाथ, जब आप इस सह्याद्री के कारागृह में पधार ही गए हैं तो कृपया आपने इन भक्तों को अपने साक्षात दर्शन भी दें। देवर्षि नारद जी, आप, आज मेरा जन्म सफल हो गया। आपके दर्शन पाकर मैं माया मोह के अनेक बंधनों से मुक्त हुआ। नारायण नारायण। महाराज सुदक्षिण, महारानी सुदक्षिणा, जिन पर भगवान भोलेनाथ की कृपा हो, उन्हें मोह माया का बंधन तरीक भी कष्ट नहीं पहुंचा सकता। परमपिता ब्रह्मा जी की आज्ञा से जो संदेश मैं यहाँ सुनाने आया था, शिव इच्छा से वो संदेश मेरे आने से पूर्व ही यहाँ पहुंच चुका है। इसी प्रकार अपने जीवन का प्रत्येक क्षण भगवान भोलेनाथ के चरणों में समर्पित करते रहो। भगवान भोलेनाथ आप दोनों की रक्षा करेंगे और अत्याचारी को दंडित भी करेंगे। यही परमपिता ब्रह्मा जी का संदेश है। आप दोनों का कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः
शिवाय, ओम नमः शिवाय। दुष्ट सुदक्षिण, तू अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति से मुझे इस कारागृह में नष्ट करने के लिए शिव पूजन कर रहा है, किंतु मैं तुझे अपने अमंगल का कोई काम नहीं करने दूंगा। त्याग दे इस शिव भक्ति को। यदि तूने मुझे अभी और इसी समय इस संसार का सम्राट स्वीकार नहीं किया तो मैं ब्रह्मा की चेतावनी और अपनी माता कर्कटी की बात को भूलकर तुम दोनों को यमलोक पहुंचा दूंगा। इस शिव भक्ति को त्याग कर मुझे इस संसार का सम्राट स्वीकार कर। अब मेरे भयानक क्रोध से तुम दोनों को संसार की कोई शक्ति नहीं बचा सकती। जय हो प्रभु। मुझे वरदान देते समय ब्रह्मदेव ने और यहां आने से पूर्व माता कर्कटी ने बार बार सावधान किया था, परंतु मैंने अपने अभिमान और अहंकार के कारण आपके भक्तों को सताने का भयानक पाप किया था। हे भोलेनाथ, मैं पापी हूं, अपराधी हूं, परंतु आप तो दया के सागर हैं, क्षमा के प्रतीक हैं। हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। कुछ ऐसा करें प्रभु जिससे मेरा नाम आपके नाम के साथ जुड़ जाए, जिससे भविष्य और संसार में कोई भी मुझ जैसा दुष्कर्म करने का दुस्साहस ना करे और मेरी मृत्यु सार्थक हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। हे आशुतोष भगवान शिव, हम भक्तों पर कृपा करने के लिए और हमारी भक्ति का मान बढ़ाने के लिए आप इस शिवलिंग में सदा सदा के लिए निवास करिए प्रभु, निवास करिए। भगवान भोलेनाथ की जय। भगवान शिव शंकर की जय। अपने अंत समय में भीमासुर ने न केवल पश्चाताप किया अपितु परम पावन पंचाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए
अपने प्राण त्याग दिए। इसी कारण भोलेनाथ भगवान शिव ने अपनी इच्छा और कृपा से भीमासुर की भक्ति को सुदृढ़ करने के लिए इस तीर्थ का नाम भीमा शंकर सुनिश्चित किया है। सभी का कल्याण करने वाले भगवान भीमा शंकर की जय। तीर्थराज भीमा शंकर की महिमा के साथ ही महाराज सुदक्षिण और महारानी सुदक्षिणा की शिव भक्ति की कीर्ति भी अनंत कालों तक अमर रहेगी। भगवान भीमा शंकर की यात्रा करने वाला भक्त किसी भी प्रकार के भय, आतंक और अत्याचार से मुक्त हो जाएगा। देवराज, इस तीर्थयात्रा के प्रभाव ने आपके भय को भी दूर कर दिया है। भीमासुर के अंत ने आपके लिए स्वर्ग के द्वार पुनः खोल दिए हैं। जय देवराज, स्वर्ग का सिंहासन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। परंतु देवराज, जाने से पहले इस पावन तीर्थ की पवित्र स्मृति अपने हृदय में बैठा लो और अपने जीवन का प्रत्येक क्षण शिव चरणों में समर्पित कर दे, जिससे आपका भविष्य और स्वर्ग शिव कृपा से सुरक्षित रहे। भय मुक्त करने वाले भगवान श्री भीमा शंकर की जय। शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, तब तब ज्योतिर्लिंग में पधारे अजर अमर शिव शंकर। मैं ओंकार हूं सदगुणों, सदवृत्तियों, सदभावनाओं और सदविचारों का पालनहार हूं। मैं ओंकार हूं। करकटी भीमासुर को विश्वासघाती मानते हुए अपमानित करती है। रक्तांबरी भी करकटी को समझाने में असफल रहती है। राक्षस वीरों की बात मानकर माता की प्रसन्नता के लिए भीमासुर स्वर्ग अभियान पर निकल पड़ता है। पराजित देवताओं को श्री हरि विष्णु प्रताड़ित करते हैं। भीमासुर की चुनौती पर श्री हरि विष्णु रक्तपात के स्थान पर द्वंद युद्ध करना स्वीकार कर लेते हैं। श्री हरि विष्णु के उत्साहित करने पर भीमासुर श्री हरि को बंदी बना लेता है। अजय अमर शिव शंकर, 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 अजय अमर शिव शंकर। पूर्व काल में सुदक्षिण ने शिवलिंग एक बनाया, अपनी हर एक श्वास के संग संग शिव के नाम को ध्याया। भीमासुर को पता चला तो शिवलिंग निकट वो आया, करने लगा अपमान वो शिव का क्रोध में था भरमाया। वार लिंग पे करने लगा वो भीमेश्वर जी प्रकट हुए, भीमासुर का वध कर डाला केवल एक हुंकार लिए। तब से ज्योतिर्लिंग में भीमा शंकर जी विख्यात हुए, उनके मनोरथ हो गए पूरे जिसने इनके दर्श किए। जय जय भीमा शंकर, 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 जय जय भीमा शंकर। जात, कुल, वंश और कर्म की अनदेखी करके केवल सच्ची भक्ति और सच्ची भावना से स्नेह करने वाले महेश्वर भगवान शिव ने कुंभकर्ण और करकटी पुत्र भीमासुर को अपनी भक्ति में प्रमुख स्थान दिया। महाराज सुदक्षिण और सुदक्षिणा की सहायता करने पधारे भगवान भोलेनाथ का पावन लिंग भीमा शंकर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सारा संसार भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की जय जयकार से गूंज उठा।
शिवेच्छा से ही प्रत्येक कल्प को चार भागों में बांटा गया, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। समय के पटल पर भीमासुर के साथ ही साथ त्रेता युग भी समाप्त हुआ और नया द्वापर युग एक नई चेतना, एक नए उजाले के साथ आ पहुंचा। इच्छा को भी अपनी इच्छा से संचालित करने वाले भोलेनाथ की इच्छा का संकेत पाकर युग परिवर्तन की पृष्ठभूमि में इस नए द्वापर युग के प्रारंभ में सभी शुभ शक्तियां हर हर महादेव का घोष करती शिव समाधि स्थल कैलाश पर प्रकट हुई। शिवा। परमपिता, प्रार्थना के मध्य भगवान भोलेनाथ का यह रूप परिवर्तन किस बात का संकेत है? नारद, इस संसार के कण कण में महादेव ही समाये हुए हैं। इस संसार के हर रूप में भगवान शिव ही तो हैं। भगवान शिव अपनी इच्छा से कोई भी कैसा भी रूप धारण कर सकते हैं। नारद, एक बात और है, चमत्कारी शिव लीला के इस रहस्य को यदि तुम बुद्धि और विवेक से जानने का प्रयास करोगे तो अवश्य जान पाओगे। नारायण नारायण, परमपिता बुद्धि और विवेक साथ नहीं दे रहे हैं। शिव इच्छा से आज हमें जिस शिव स्वरूप के दर्शन हुए हैं उसका रहस्य समझ में नहीं आ रहा है परमपिता। नारद, सदाशिव भगवान भोलेनाथ की परम कल्याणकारी लीला का रहस्य शिव भक्तों के लिए सदा अनजाना नहीं रहता। किंतु श्री हरि, नारद, आश्चर्य की आवश्यकता नहीं। श्री हरि विष्णु का कथन सत्य का प्रमाण है। हम अपने भक्तों के वश में हैं। हमारे भक्त प्रश्न और जिज्ञासा के चक्रव्यूह में गोते नहीं मारते। रूप परिवर्तन का यह संकेत सरल और साधारण है। शिव 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 शिव, भोलेनाथ, जो आपके लिए सरल और साधारण होता है वही हम जैसे अज्ञानियों के लिए असाधारण और कठिन। भोलेनाथ, कृपया करके आपके इन भक्तों को इस शिवलीला का रहस्य बताएं। नारद, सृष्टि परिवर्तनशील है। एक छोटे से कण से लेकर विशाल पर्वत तक सब कुछ परिवर्तित हो रहा है। परिवर्तन की यही गति जीवन को सुख, संतुष्टि और कल्याण का संदेश देती है। परिवर्तन की इसी धारा में बहते हुए हमारी सृष्टि सतयुग, त्रेता युग की यात्रा करते हुए अब द्वापर युग के द्वार पर खड़ी है। नारायण नारायण, भोलेनाथ, हम अज्ञानियों को इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि अब हम एक नए युग में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस ज्ञान के साथ इतना और भी जान लो नारद कि आने वाला हर युग नवीनता के साथ ही साथ प्रचलित मान्यताओं, परंपराओं
और आस्थाओं को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास करता है। वो सब कुछ अपनी दृष्टि से देखने का प्रयत्न करता है। यदि इस दृष्टि में रचना की भावना और सत्यता होती है तो सृष्टि खिल उठती है, परंतु स्वार्थ और विध्वंस होता है तो सृष्टि त्राहिमाम करके आर्तनाद करने लगती है। यह रूप परिवर्तन करके हमें महादेव ने उन स्थितियों से सावधान करने का प्रयास किया है। तो क्या आने वाला नया युग द्वापर किसी विध्वंस और विस्फोट का संकेत लेकर आ रहा है श्रीहरि? देवराज इंद्र, शुभ और अशुभ के मध्य संघर्ष तो सृष्टि के पहले दिन से ही चल रहा है। अब तक जो हुआ वो अच्छा था, जो अब हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, और जो भविष्य में होगा वो भी अच्छा और शुभ ही होगा। इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन्य धन्य भोलेनाथ, आप धन्य हैं। अब कृपया करके इतना और बता दे कि इस नए युग का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? नारद, इस द्वापर युग में दैत्य शक्तियों का प्रभाव कम होगा। ये तो शुभ संकेत है महादेव। बात पूरी होने से पहले ही अपने अनुमान से कुछ कह देना विद्वानों की भाषा में अज्ञान माना जाता है देवराज। क्षमा क्षमा भोलेनाथ, क्षमा। इसका अर्थ ये नहीं कि ये दैत्य शक्तियां पाताल में जाकर छुप जाएंगी, अपितु ये दैत्य शक्तियां इस नए युग में मानव को माध्यम बनाकर अपना स्वार्थ पूर्ण करेंगी और सदा के समान शुभ कार्य में बाधा डालेंगी। स्वार्थी मनुष्यों और दुष्ट शक्तियों के इस मिलन से धर्म का स्थिर पांव डगमगाने लगेगा, धर्म पर संकट उत्पन्न होगा। अब तक धर्म पर अटल रहते हुए गर्व करने वाले अनेक प्राणी धर्म का साथ छोड़कर अधर्मी, अत्याचारी, अनैतिक और अन्यायी बनकर अशुभ शक्तियों का साथ देंगे। किंतु परमपिता, ऐसे में धर्म की स्थिति क्या होगी? भोलेनाथ, क्या द्वापर युग में सभी प्राणी अधर्मी हो जाएंगे? ऐसा ना कभी हुआ है ना ही कभी होगा। सृष्टि के संतुलन में धर्म और अधर्म दो पहलू हैं। अधर्म सदैव अपने दुष्कर्मों से धर्म के पलड़े को झुकाने का प्रयास करता है, किंतु अंत में विजय धर्म और सत्य की होती है। और इस नए युग का मुख्य उद्देश्य भी धर्म संस्थापना ही होगा। प्रभु, इस धर्म संस्थापना के सूत्रधार कौन होंगे? जिज्ञासु नारद, युग, धर्म और धर्म की संस्थापना के लिए प्रारंभ हो रहे इस द्वापर युग में जगत पालक श्रीहरि विष्णु पुरुषोत्तम अवतार धारण करेंगे। पुरुषोत्तम अवतार? पुरुषोत्तम अवतार? हाँ, ये द्वापर युग भविष्य में पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के युग के नाम से जाना जाएगा। श्रीहरि अवतार श्री कृष्ण पृथ्वी के समस्त जीवों को प्रेम, योग, ज्ञान और भक्ति की प्रेरणा देते हुए धर्म की संस्थापना करेंगे। नारायण नारायण। भोलेनाथ, क्या पिछले युग के समान इस नए युग में अन्य शुभ शक्तियां अवतार धारण नहीं करेंगी? अब तक तो ऐसा नहीं कहा गया नारद। सतयुग और त्रेता युग के समान इस युग में भी अनेक शुभ शक्तियां अवतार धारण करके श्रीहरि विष्णु के पुरुषोत्तम अवतार श्री कृष्ण को धर्म की संस्थापना में योगदान देंगी। प्रभु, घटने से पहले ही घटना को जान लेने की उत्सुकता अनुचित है नारद। अपनी प्रतिभा और पुरुषार्थ से तुम इस नए युग द्वापर के साक्षी बनो, आपका कल्याण हो। नए युग का साक्षी बनने के लिए नारद के साथ ही साथ सभी शुभ शक्तियां अपने अपने धाम को लौट गईं। शिवेच्छा से सृष्टि की अनंत यात्रा में द्वापर युग का प्रारंभ हुआ। ऋषि पुत्री शकुंतला और महाराज दुष्यंत के प्रेम से जन्मे महाराज भरत के नाम से
ऋषियों की इस पवित्र आर्य भूमि को भारतवर्ष के नाम से भी संबोधित किया गया। परम शक्तिशाली शिव भक्त और सत्य पर आस्था रखने वाले महाराज भरत के नाम से भारतवर्ष में वीरों को जन्म देने वाले भरत कुल की परंपरा चल पड़ी। इसी महान कुल में समय के साथ जन्मांध धृतराष्ट्र, पांडु और दासी पुत्र विदुर का जन्म हुआ। महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और महाराज पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। स्वार्थ भरी महत्वाकांक्षा और प्रतिशोध से जलते कौरवों ने अपने मामा शकुनी की कुटिल नीति को द्यूत के पांसों पर सफल बनाते हुए पांडवों को पराजित कर 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष का कठोर अज्ञातवास झेलने पर विवश कर दिया। ज्येष्ठ कुरुपुत्र दुर्योधन अपने इस सफलता से अभिमान के शिखर पर जा बैठा। अभिमानी दुर्योधन ने अट्टहास करते अपने भाई दुशासन से कहा, भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण करके तुमने वीरता का ढोंग करने वाले पांडवों को कहीं मुंह दिखाने के योग्य नहीं छोड़ा। आप सत्य कहते हैं भ्राता श्री। मुझे पूरा विश्वास है कि हस्तिनापुर से निकलकर अपमान और कलंक का दंश धोने के लिए पांडव चुल्लू भर पानी में डूब मरे होंगे। ऐसे घोर अपमान के बाद भ्राता कोई वीर जीवित नहीं रह सकता। परंतु अभी तक मेरे घोर शत्रु पांडवों के मृत्यु का समाचार क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि पांडवों को धूत क्रीड़ा में पराजित देखकर हमारे गुप्तचर सुस्त हो गए? सुस्त तो नहीं भ्राता श्री, परंतु निश्चिंत तो हम भी हो गए हैं। जब तक पांडव हमारे सामने शत्रु बनकर हस्तिनापुर में थे, तब तक हम दिन रात उन्हें नीचा दिखाने की योजना बनाते रहते थे। अब जबकि द्यूत क्रीड़ा में पांडव पराजित होकर 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष के कठोर अज्ञातवास के लिए निकल चुके हैं, तब मानो ऐसा लगता है कि हमारे लिए कोई काम ही ना बचा हो। अनुज, मैं पांडवों की ओर से बिल्कुल निश्चिंत हो गया हूं। लज्जा के दंश से भले ही पांडव जीवित बच जाए, परंतु वन का कठोर जीवन उनके मनोबल को नष्ट भ्रष्ट कर देगा। पांजो। प्रणाम मामा श्री। आयुष्मान बाबा। मामा श्री, जब से आपने पांडवों को धूत क्रीड़ा में पराजित किया है, तब से आपके चलने, आपके उठने, आपके बैठने, आपके सोचने में विजय का विजय घोष सुनाई देता है। विजय वीर मामा श्री की जय हो। दुशासन बोलो, विजय वीर मामा श्री की जय हो। भांजो, मैंने सदैव तुमसे ये कहा है कि केवल मेरे पास से नहीं है, ये तो मेरी सेना है, सेना। मामा श्री, मुझे तो पूरा विश्वास है कि सोते जागते हर समय पांडवों को आपके पासों की सेना दिखाई देती होगी। हतभागा युधिष्ठर तो चौंक चौंक कर पौ बारा कहते हुए रात में भी उठ बैठता होगा। सावधान आजो, सावधान रहो। ये जो मेरे पासों की सेना है ना, इन्हीं के कारण तुम्हें आज ये महान अवसर और विजयश्री प्राप्त हुई है। परंतु कहीं ऐसा ना हो कि 13 वर्षों के पश्चात वो पांडव वापस यहां आकर अपने राज्य की मांग करने लगे। असंभव, असंभव मामा श्री, क्योंकि जिस ओर पांडव गए हैं वहां से हस्तिनापुर लौट कर आने का कोई मार्ग नहीं है मामा श्री। राता श्री ठीक कहते हैं मामा श्री। अब पांडव नहीं, पांडवों की मृत्यु का दुख भरा समाचार लौट कर आएगा। हाँ, मामा श्री, हाँ। मैं भी उसी समाचार की प्रतीक्षा कर रहा हूं। पास भांजो,
महान अफसर हंसी ठट्टों में उड़ा देने वाला नहीं है। याद रहे कि जब तक तुम्हारे शत्रु ये पांडव जीवित हैं, तब तक तुम इस राज्य के एक छत्र सम्राट कभी नहीं बन सकते दुर्योधन, क्योंकि तुम्हारे शत्रु का जीवित रहना तुम्हारे लिए संकट का एक बड़ा कारण बन सकता है। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही रहेगा कि तुम अपने आमोद प्रमोद और हंसी ठट्टों को भूलकर इस समय ये विचार करो कि शत्रु को कैसे समाप्त करना है भांजे।